रीअरेंज कर दिया, जावा स्क्रिप्ट जो था ना सारा इस फोल्डर में मैंने डाल दिया। अब एक फोल्डर मैंने बना लिया नॉट जेएस, ठीक है, क्योंकि आज हम क्या करने जा रहे हैं, नॉट जेएस शुरू करने जा रहे हैं। हमने शुरू में ये डिस्कस किया था कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो दो तरह की होती है। नंबर एक क्या होती है, जो ब्राउज़र पर चलती है, तो वो ब्राउज़र पर जो चलने वाली जावा स्क्रिप्ट थी वो हमने पूरे कर लिए। अब हम वो वाली जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे जो कहाँ पर चलती है, बगैर ब्राउज़र के चलती है, यानी कि टर्मिनल के ऊपर, कमांड प्रॉम्प्ट कह लो या टर्मिनल कह लो, उसके ऊपर चल जाती है वो। अच्छा, इसको चलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें नॉट जी एस उस सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सब लोग नॉट जी एस पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं आई थिंक, अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है। ये लिखेंगे गूगल पे जाके नॉट जी एस, और ये पहला जो आपके पास आएगा सजेशन, उसमें आपने चले जाना है और आपने डाउनलोड करना है ये LTS वर्जन। LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। तो ये वाला आपने डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसको इंस्टॉल करना, तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बगैर जो मैं अभी काम करवाने जा रहा हूँ वो आपके पास नहीं चलेगा। अच्छा, अब मैं आके सबसे पहले क्या बना लेता हूँ, यहाँ पे एक अलग हेलो वर्ल्ड बना लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि यार हेलो वर्ल्ड नॉट जी एस मे बी, या सिर्फ हेलो वर्ल्ड क्या देते हैं इसको। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, एक नॉट जी एस की ऐप को बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है, इस फोल्डर में जाके ना, मुझे जिस फोल्डर में मैं बनाना चाहता हूँ नॉट जी एस की ऐप, तो मैं पहले उस फोल्डर में चला जाऊँगा टू नॉट जी एस, और उसके बाद सी डी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं इस वक्त कौन से वाले फोल्डर में आ चुका हूँ, ये इस हेलो वर्ल्ड वाले में आ चुका हूँ। यहाँ पे आके मुझे एक अदद बनाना पड़ता है npm init, सही है, एंटर। ये नॉट जे एस की ऐप बनाने के लिए ये npm init करना ज़रूरी है, और ये मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा है, मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट आंसर है उसी पे नेक्स्ट नेक्स्ट करता जा रहा हूँ। और मैंने ये एंटर एंटर प्रेस किया तो एक फाइल बनी हुई आ गई है यहाँ पे, दिस फाइल इज़ कॉल्ड पैकेज डॉट json, सही है। इस पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर अगर मैं आऊँगा तो मुझे यहाँ पे वही जो इसने सवालात पूछे थे ना उनका सबका यहाँ पे इसने जेसन बना दिया। अच्छा, अब एक तो काम ये हो गया, दूसरा काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके एक फाइल बनानी है जिसका मैं नाम क्या रखूँगा, ऐप डॉट एम जे एस, सही है, जे एस नहीं है ये, एम जे एस, ठीक है। अच्छा यार, ये सीधा क्यों हो रहा है, इसको एक और फोल्डर बना देता हूँ इसमें, सही है, मैंने ऐसे ही एक और फोल्डर बना दिया ताकि ये ज़रा सीधा हो के तो दिखे। अच्छा, ये जो एम जे एस की फाइल है, ये जो मैंने बनाई है, ये सिंपल जावा स्क्रिप्ट है, लेकिन ये नई वाली जावा स्क्रिप्ट है, न्यू। अच्छा, ये नई वाली जो इससे पहले जो चलती थी ना टर्मिनल पर, उसको कहते थे कॉमन जे एस, ये आई है बिल्कुल न्यू, इसको कहते हैं मॉड्यूल जेएस। यानी ये एक तो ब्राउज़र पे ES5 ES6 है ना, इस पर कॉमन जेएस और मॉड्यूल जेएस, तो हम पढ़ेंगे न्यू वाली मॉड्यूल जेएस। तो उसमें फाइल का नाम आपको MJS रखना होता है, तो उसी से इसको समझ आता है कि ये नई वाली जावास्क्रिप्ट। अच्छा, तो इस MJS के अंदर आके मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैंने कह दिया कि IM आई एम मॉड्यूल जे एस प्रोग्राम एंड आई एम रनिंग, सही है। तो ये स्क्रीन पे अगर लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब है ये फाइल मेरी क्या हो गई, प्रॉपरली रन हो चुकी है। अच्छा, इस फाइल को रन करने के लिए मुझे क्या कमांड लिखनी होगी, जो पहले से लिखा हुआ है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ, इस हेलो वर्ल्ड वाले फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। इसको मैंने हमारे पास एक रूट है, रूट के ऊपर नॉट जी एस का फोल्डर है और नॉट जी एस के अंदर हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा टर्मिनल को बंद करके ना दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। मैंने कहा सी डी टू टैब नॉट जी एस सी डी वन हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैं इस हेलो वर्ल्ड के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। पहले भी यहीं पर था, मैं रीनेम किया तो इसलिए मुझे बंद करके दोबारा खोलना पड़ा।
यहाँ पे आके इस फाइल को रन करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, नॉर्ड स्पेस और मेरी फाइल का नाम जो कि app.mjs है, एंटर करूँगा तो ये फाइल मेरी रन हो जाएगी। लेकिन इस तरह से रन करना इज नॉट रिकमेंडेड, इस तरह से रन करना, ये फाइल मेरी रन हो गई है लेकिन इस तरह से रन करना रिकमेंडेड नहीं है। समझ आ रहा है क्या हुआ ये? अच्छा, ये नॉट जो है आप लिखेंगे अगर, तो ये जब ही आपको सही चलेगा कमांड जब नॉट जेएस इंस्टॉल होगी। अगर नॉट जेएस इंस्टॉल नहीं है ना तो ये आपको एरर दे देगा कि नॉट इज नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, सम टाइम इंस्टॉलेशन के बाद आपको कंप्यूटर अपना रीस्टार्ट भी करना पड़ता है, तो आप या तो दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे उसको रीस्टार्ट करके देखें, ठीक है। तो सिर्फ नॉर्ड लिखेंगे आप और माइनस वी लिखेंगे अगर, तो ये वर्जन भी बता देता है कि नॉर्ड का मेरे पास इस वक्त कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है। तो अगर आपके पास इंस्टॉलेशन का कोई इशू है तो आप ये कमांड चला के भी देख सकते हैं कि आया कि नॉर्ड आपके पास सही तरह इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद आप, मैंने क्या लिखा था, नॉर्ड स्पेस और ए पी लिखा मैंने और ये टैब का बटन दबा दिया, तो कीबोर्ड में टैब का बटन होता है, एस्केप के बटन के नीचे होता है टैब, सही है, और कैप्स लॉक के ऊपर होता है। तो ये टैब का बटन दबाने से नाम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है और मैंने एंटर कर दिया तो ये मेरी ऐप, ये मेरी जो फाइल थी ये रन हो गई है। बट दिस वे इज नॉट रिकमेंडेड, इस तरीके से इस फाइल को रन करना मना है। तो सही तरीका क्या है अब वो भी देख लेते हैं। सही तरीका ये है कि यही कमांड नॉर्ड स्पेस एम जे एस ये आप बता देते हैं इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर, सही है। ये स्क्रिप्ट जहाँ पे लिखा हुआ है इस स्क्रिप्ट वाली जगह पे आप आते हैं और आप जाते हैं इसके आखिर में, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के अगली लाइन में आते हैं और आप लिखते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद एक स्ट्रिंग में वो वाली कमांड यहाँ लिख देते हैं। कमांड वही है लेकिन अब मैंने कहाँ लिख दिया इसको, पैकेज डॉट जेसन के अंदर इसको मेंशन कर दिया, सही है। अच्छा, अब मैं इसको रन कैसे करूँगा, अब मैं इसको रन करूँगा npm start। npm start का मतलब है कि Node.js की ऐप को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने की, अभी तो स्क्रिप्ट बहुत छोटी सी है ना नॉर्ड और ऐप का नाम, कल को ये स्क्रिप्ट लंबी चौड़ी भी हो सकती है, तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप स्टार्ट स्क्रिप्ट बता दें कि ये चलती कैसे और npm इसको खुद चला लेगा। तो अब मैं लिखूंगा npm start, तो आप देखें सेम वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, सेम वही काम हुआ है npm start से। कमांड भी वही चली है लेकिन चलाया किसने, npm ने चलाया, हम मैंने नहीं चलाया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पे ना एक और चीज़ भी होती है वेल छोड़ो वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा हेलो वर्ल्ड बन गया मॉड्यूल जेएस का, ये मेरा हेलो वर्ल्ड बन गया मॉड्यूल जेएस का। अच्छा, अब इस मॉड्यूल जेएस में क्या होता है कि जब एक बार आप रन कर देते हैं ना किसी सॉफ्टवेयर को, तो जब उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको रीरन करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं नॉर्ड मॉन, ठीक है, लेकिन अभी मैं वो बता नहीं रहा, वो बाद में मुझे याद दिला दीजिएगा कि रोक के दोबारा चलाने के लिए ना वो नॉर्ड मॉन का एक टूल है, अभी मैं बताऊंगा वो भी आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर वो पढ़ेंगे। अच्छा, ये सब लोगों को समझ आ गई ये बात जो मैंने ये बताई ये बात। अच्छा, तो जल्दी से क्या करें, सब लोग अपने अपने कंप्यूटर में ना ये हेलो वर्ल्ड अभी जल्दी से बना लें, सही है। आपके पास अभी 8:32 हो रहे हैं, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, 8:40 पे हम दोबारा से यहाँ पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से ये बना लें आप लोग, और इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने पड़ोस वाले से उसको कंसल्ट करें। अब जाके पहले से इंस्टॉल इसमें होगा, यहाँ जितने भी कंप्यूटर हैं ना, आई एम 100% श्योर कि उसमें पहले से Node.js इंस्टॉल है। तो आप टर्मिनल पे जाके नॉर्ड स्पेस और माइनस वी लिखेंगे तो वो वर्जन आपको बता देगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। अच्छा, अगर तो वर्जन आपका LTS नहीं है, जैसे LTS में ना 16 आ रहा है ना, यहाँ पे LTS में 16 आ रहा था, अगर 16 से पुराना है यानी 14 या 15 है तो आप वो बाहर उनको बता दीजिएगा, वो आके उसको अपडेट कर देंगे। असल में इंस्टॉलेशन पे पासवर्ड या इसीलिए लगाया हुआ ताकि इंस्टॉलेशन जो है ना थोड़ी सेफ रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं आपके अलावा भी,
तो वो आके फिर कुछ भी इंस्टॉल करके चले जाते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए वो पासवर्ड लगा हुआ है ताकि ओनली ऑथराइज पर्सनल जो है ना वही उसमें चीज़ें इंस्टॉल कर सकें। ओके,